शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अक्सर अपने लुक को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती है। हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सुहाना एकदम सिंपल लुक में नजर आई, जिसे देखने के बाद फैंस उनकी तुलना दीपिका पादुकोण से करने लगे। लगातार ओटीटी कंटेंट के वल्गर होने की शिकायत के बीच इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओटीटी कंटेंट पर वल्गर और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ओटीटी कंटेंट पर आ रही शिकायतों का हल निकालने और कंटेंट को बेहतर बनाने की तरफ काम कर रही है। बॉलीवुड के फेमस एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का 9 मार्च को निधन हो गया था। मुंबई में उनके लिए प्रार्थना सभा रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की ओर से धमकी भरा मेल मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अस्थायी पुलिस चौकी बना दी है। इसमें 2 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और 8 से 10 कांस्टेबल 24 घंटे तैनात रहेंगे। सलमान के घर के पास फैंस की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी।